वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी न्यू एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ होलिस्टिक मार्केटिंग एंड इट्स मेजर पार्ट। इस वीडियो में मैं आपको होलिस्टिक मार्केटिंग क्या है और उसके इम्पोर्टेंट मेजर पार्ट कौन से हैं उसके बारे में बताऊँगा। होलिस्टिक मार्केटिंग 21 सेंचुरी की मार्केटिंग को हम होलिस्टिक मार्केटिंग कहते हैं। वक्त के साथ साथ मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं। ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, डीरेगुलेशन, कंपटीशन ने मार्केटिंग पर बहुत इफेक्ट किया है, जिसकी वजह से मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं। आज के दौर में कस्टमर के पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन होती है थ्रू द टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, टीवी, न्यूज़ ETC। इसके थ्रू कस्टमर के पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन होती है और कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं प्रोडक्ट बाय करने के लिए। वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी तलाश करता है और वो प्राइस के मामले में थोड़ा सेंसिटिव होता है। वो चाहता है मुझे अच्छी क्वालिटी मिले और कम प्राइस में मिले। और मार्केटिंग के जो इम्पॉर्टेंट होलिस्टिक मार्केटिंग के मेजर पार्ट हैं, ये चार इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट हैं होलिस्टिक मार्केटिंग के: रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में ये होता है कि हमने अपने कस्टमर के साथ अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना होता है। अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशन कैसे बिल्ड किया जाए? उसे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करके, उसे टाइमली डिलीवरी करके, उसको उसकी नीड सेटिस्फेक्शन, उसकी वांट्स को पूरा करके, अपने प्रोडक्ट में न्यू इनोवेटिव फीचर ला के टाइम बाय टाइम। और आगे जो है सेकंड पे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग थ्रू दी सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के ज़रिए से मार्केटिंग करते हैं जो हम, उसको वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में आ जाती है। थ्रू दी एडवर्टाइजमेंट, थ्रू दी ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में आ जाती है। इंटरनल मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग में ये होता है कि सबसे पहले अपने जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट किया जाए, उनको सेटिस्फाई किया जाए उनके काम के रिलेटेड, उनको एक डायरेक्शन दी जाए, उनको एक मिशन और विजन दिखाया जाए। और उनको जब कस्टमर एम्प्लॉय आपकी कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉय काम अच्छा करेंगे तो आपके कस्टमर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होंगे आपके प्रोडक्ट से, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, क्वालिटी वाइज बेटर होगी। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ये है कि अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बेस्ट किया जाए, कंपेटिटर से आपके प्रोडक्ट बेहतर हो, प्राइस भी कम हो, क्वालिटी भी अच्छी हो। आई होप आपको होलिस्टिक मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके मेजर पार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा।